कलयुग का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां जाते ही कैंसर भी हो जाता है। ठीक, नासा वाले भी हैं हैरान। बागेश्वर धाम वाले चमत्कारी गुरुजी भी करते हैं प्रणाम। हजारों किलोमीटर पैदल चढ़कर पहुंचते हैं श्रद्धालु। जब डॉक्टर खड़े कर देते हैं हाथ, तब आला लेकर प्रकट होते हैं साक्षात हनुमान भगवान। दूर कर देते हैं सारी बीमारी। जब बड़े बड़े डॉक्टर हार जाते हैं, नासा वाले वैज्ञानिक और इसरो वाले दिग्गजों की रिसर्च भी काम नहीं आती है, तब आज भी भारत की एक धरती पर भगवान प्रकट होते हैं, भक्त के दिल पर आला लगाते हैं और डॉक्टर की तरह उसका इलाज करते हैं। फिर उसे कैंसर हो या ब्रेन हेमरेज मिनटों में ठीक कर देते हैं। ये मंदिर कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचेंगे, ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। उससे पहले इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारी किस्से को भी सुन लीजिए। ये मंदिर कहाँ स्थित है और यहाँ कैसे पहुंचेंगे, ये सब बताएंगे इस 3 मिनट की रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली और खबर को खूब शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस मंदिर से जुड़े एक चमत्कारी किस्से को भी सुन लीजिए। साल था 2001 का, एक व्यक्ति कैंसर से ग्रसित था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, घर वाले समझ चुके थे अब उन्हें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि विदेश जाकर इलाज करवा पाते। तभी उस इंसान को किसी ने इस चमत्कारी मंदिर के बारे में बताया। वो वहां गया, भगवान के चरणों में लेटा, पुजारी ने उठाया, चरणों का जल पिलाया और घर भेज दिया। ये सिलसिला महीनों से बरसों तक चलता रहा और उस व्यक्ति का कैंसर ठीक हो गया। ये कहानी उस मंदिर के महंत महामंडलेश्वर रामदास महाराज हर किसी को सुनाते हैं और इस मंदिर की महिमा बताते हैं। कहते हैं कि मंदिर 600 साल पुराना है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गाँव पड़ता है ददरवा, जहाँ तालाब किनारे नीम के पेड़ से लगी हुई भगवान हनुमान की मूर्ति मिली। वही मूर्ति मंदिर में स्थापित हुई। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान जी नृत्य मुद्रा में है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान जी नृत्य भी करते हैं, इसलिए इस मंदिर की महिमा और बढ़ जाती है। कहते हैं कि जब मूर्ति निकली तो पहले आसपास के लोगों ने पूजा करनी शुरू की और जब लोगों का हर दुख दर्द दूर होने लगा तो मंदिर की कहानी धीरे धीरे अन्य लोगों तक पहुंचने लगी और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। आज यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहाँ माथा टेकने पहुंचते हैं। कोविड के दौरान यहाँ हनुमान जी को डॉक्टर की तरह सफेद कोट पहनाया गया था। यहाँ पहुंचने के लिए भक्त हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं। कोई देसी घी का बना लड्डू तो कोई अच्छे अच्छे पकवान लेकर मंदिर में पहुंचता है, भगवान को भोग लगाता है और सारी परेशानियों से मुक्ति पा जाता है। कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को जो भी यहाँ दर्शन करता है उसके सारे रोग दुख मिट जाते हैं। किसी भी तरह की समस्या का समाधान मिनटों में होता है। यहाँ पूजा करने वाले पुजारी हों या आसपास रहने वाले लोग, वो अस्पताल के डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर हनुमान जी पर भरोसा करते हैं। छोटा सा फोड़ा पुंसी हो या फिर कैंसर जैसी असाध्य बीमारी, वो हर मर्ज के इलाज के लिए डॉक्टर हनुमान जी की आराधना करते हैं और शास्त्रों में लिखी बातों की तरह हनुमान जी उनके हर मर्ज का इलाज कर देते हैं। मतलब ये मंदिर कलयुग का सबसे चमत्कारी मंदिर है। और ऐसे मंदिरों की जब बात होती है तो बिहार की माँ राजा राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जिक्र अपने आप सामने आ जाता है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर की मूर्तियां आपस में बात करती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्रा ने की थी और आज भी जब यहाँ से आधी रात को लोग गुजरते हैं तो उसे मंदिर से आने वाली आवाजें साफ साफ सुनाई देती हैं। एक बार वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ रिसर्च के लिए पहुंची थी लेकिन इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई। ऐसे में भारत के इन तमाम चमत्कारी मंदिरों को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।